तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग आए हैं दुर्गा जी लेने दशहरी। तो गाइस देख सकते हो हम लोग रेलवे स्टेशन में हैं अभी। तो गाइस अभी हम जाएंगे दुर्गा जी देखने के लिए, तो ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग एंजॉय करें। तो चलिए चलते हैं दुर्गा जी देखने। तो गाइस देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद। यहाँ एक डॉग बैठा है देख सकते हो, और ऊपर आके कुत्ता भी बैठा है देख सकते हो। ये यहाँ की रखवाली कर रहा है। सो गाइस हम लोग जहाँ मूर्ति है वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पिकअप भी खड़ी है। सो गाइस हम लोग मूर्ति के पास पहुँच चुके हैं। जैसा कि गाइस हम लोग का मूर्ति का नंबर 25 है, तो गाइस देखते हैं 25 नंबर कहाँ पास है। तो गाइस ये गाइस 25 नंबर की मूर्ति है, ये हम लोग लेके जाएंगे इस मूर्ति को। देख सकते हैं गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है मूर्ति, देख लीजिए कितना बढ़िया है। देखते हैं आ जाओ, चलिए और मूर्तियां देखते हैं गाइस। इतने सारे मूर्ति हैं, कितना सुंदर सुंदर मूर्ति है गाइस। अभी तो बहुत सजे नहीं हैं, जैसे कि कल लेके जाएंगे तो सब कल पूरे सजावट होंगे। तो गाइस जैसा देख सकते हो बहुत सारे मूर्ति हैं। कहाँ पास है बड़का है कहाँ पास। अरे सर जी तुम हो, हाँ अब भुलाएगा तुम हो। होता है ये देखो गाइस, ये बहुत क्या बोलते हैं भाई, कुछ नहीं जानते, नहीं बोले कुछ। ये तो छोटा छोटा इस रे तुम्हारी ये कौन है अन्न के पैरी धरती बोझ तो ये करत का आया है। तो ये दुर्गा जी पता नहीं है कहाँ थे था। ये गाइस देख सकते हो सबसे छोटी मूर्ति है 3 नंबर का, और ये देखो कुछ इस तरह दिख रहे हैं गाइस। गाइस ये देख सकते हो मेरा ये दोस्त है, पुराने मित्र है, जो कि ये भी दुर्गा जी लेने आए हैं। तो हम लोग आ चुके हैं देख सकते हो दुर्गा जी जहाँ पास है। तो आप जैसा देख दिखा दिया हूँ कैसे कैसे मूर्ति हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो फाइनली गाइस हम लोग की माता जी हमारे ट्रैक्टर में विराजमान हो चुकी हैं, जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो गाइस देख सकते हो कुछ ऐसे हैं, अभी ट्रैक्टर में जस्ट अभी विराजमान किए हैं। तो देख सकते हो गाइस पन्नी दिखाते हैं।
तो गाइस मूर्ति लेके जाने लगे हैं। तो गाइस देख सकते हो और मेन रोड पे आ चुके हैं गाइस, जैसा कि देख सकते हो आप। चल मैं ब्लॉक कर। तो गाइस फाइनली हम यहाँ से दुर्गा माता रानी को ले गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा जब वहाँ नीचे उतारेंगे दुर्गा पंडाल। तो फाइनली गाइस हम लोग निकलते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग। सो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं जतहरी से। अभी अब जा रहे हैं सीधे घर जाएंगे, और अभी ट्रैक्टर में लेके बहुत देर पहले निकल चुके हैं, जो कि आधे रास्ते पहुंच चुके होंगे। तो जाके हमको अभी दुर्गा जी उतरवाना भी पड़ेगा, तो बने रहें ब्लॉग। तो जैसा गाइस हम लोग अमरनाथ पहुंच चुके हैं, और अभी डेट में तो देख सकते हो गाइस हम लोग का सबसे जाना पहचाना रास्ता कितना खजाड़ हो चुका है। तो गाइस हम जैसा कि बता दूं, बचपन का प्यार वाला रास्ता, ये बचपन का प्यार वाला रास्ता है। जैसा कि बता दूं गाइस, ये पता नहीं कब बनेगा कि नहीं बनेगा, फिलहाल तो हम घर जा रहे हैं। पता नहीं हमारे बच्चे आ जाएंगे तो इसी में शायद तक चलेंगे ऐसे रास्ते से। तो गाइस ये देख सकते हो सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही इधर, पता नहीं कब उसका दिमाग खुलेगा। लेकिन हम भी वोट ना देंगे अगली बार, फिर बार दे दिए तो गरीब समझ के दे दिए, बस अगले बार नहीं देंगे। गाइस हम लोग दुर्गा पंडाल पहुंच चुके हैं, जैसे देख सकते हो ऑटो यहाँ पे खड़ी है। ऑटो में पता नहीं क्या क्या रखे हैं। ये देखिए हमारे चाचा जी यहाँ अभी पहले से पहुँच चुके हैं। यहाँ जैसे बता दे गाइस यही हम लोग का माता जी आने वाली है। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं घर, फिलहाल तो घर जा रहे हैं गाइस, फिर आएंगे अभी वापस होके तो मैया जी को आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग एंजॉय करें। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो माता जी आ जाए इसके बाद फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि गाइस देख सकते हो हमारे ट्रैक्टर में विराजमान हमारी माता अभी आ चुकी हैं हमारे गांव में, जैसा देख सकते हो गाइस। तो गाइस अभी ट्रैक्टर को साइड पे खड़ा किए हैं, इसके बाद अभी माता जी की आरती भी होगी, और आरती के पश्चात ही तो माता जी को ट्रैक्टर से उतारेंगे। तो गाइस ब्लॉग में बने रहें, देखते रहें क्या क्या होता है। तो ब्लॉग एंजॉय करें। सो गाइस देख सकते हैं हमारे माता जी को नीचे उतारा जा रहा है ट्रैक्टर से। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।